अभी आपने जो तस्वीर देखी, ये तस्वीर निकल करके आई है रायबरेली से। रायबरेली के अंदर अमित शाह जी की एक रैली हो रही थी और उस रैली में एक पत्रकार, राघव नाम है, मेरे साथी रहे हैं पुराने, उन्होंने कुछ महिलाओं से वहां पर पूछा कि क्या आपको यहां पर अपनी मर्जी से आप आई हैं या फिर पैसे देकर के आपको बुलाया गया है। ये बात वो पूछ रहे थे, इतनी देर में कुछ लोग वहां पर आते हैं, कुछ लोग वहां पर आते हैं और पुलिस के सामने ही, और पुलिस के बाकायदा वहां पर अधिकारी थे, उनके सामने ही राघव के दबोच लेते हैं और राघव को पकड़ते हुए लेकर के जाते हैं वहां से। और उसके बाद में अभी राघव ने बताया है कि उनको टेंट के पीछे ले जाकर के कई आदमियों ने, दर्जन भर आदमियों ने उनको पीटने का काम किया, लात घूंसे, पेट में, सर में, जहां तहां जहां मार सकते हैं वहां मारे। एक पत्रकार का काम क्या है? राघव ने बताया कि मैंने जिन महिलाओं से पूछा तो महिलाएं उठ करके जा रही थी, तो उनसे मैंने यही कहा कि आप उठ करके क्यों जा रही हैं, आप बैठिए, अभी सुनिए जिनको सुनने के लिए आप आए हैं। ये बात उन्होंने कही और इस बहुत सामान्य सी बात है। और उसके बाद पूछा कि आप जो यहां से उठ करके जा रही हैं तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि आप महिलाओं को पैसे देकर के बुलाया गया था, अब हाजिरी आप लोगों की लग गई है और हाजिरी लगा करके आप यहां से निकल रही है, क्या वाकई यही बात है? उसने जो वहां पर एक आरोप लग रहा था या जो बाकी लोग लगा रहे थे उसकी पुष्टि करनी चाहिए, एक पत्रकार का काम यही है। लेकिन उसको वहां पर भाजपाई लोगों ने पकड़ करके कूट दिया, ये राघव ने बताया। और बड़ी बात यह है, जो शर्मनाक बात है और जो चिंता पैदा करती है, ये सब कुछ हुआ जब वहां पर राघव को पकड़ करके ले जाया जा रहा था तो पुलिस के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। राघव ने बताया कि मैंने दो पुलिसकर्मियों को हाथ पकड़ करके कहा भी कि मुझे ये लोग खींच करके ले जा रहे हैं, आप लोग बचा लीजिए। जो पत्रकार वहां पर खड़े थे, जो वीडियो बना रहे थे, उनसे भी कहा कि आप बचा लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। और ये तस्वीर है रायबरेली की। कांग्रेस पार्टी का गढ़, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे, यानी बीजेपी के लिए वहां पर बहुत कम उम्मीदें, लेकिन अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, जब बड़ी हॉट सीट होती है तो एक मैसेज देने के लिए एक बड़ा नेता पहुंचता है, एक बड़ा नेता उतरता है, और वही काम हुआ। लेकिन रायबरेली के अंदर यह सब कुछ हो रहा है, रायबरेली के अंदर यह सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव की धारा, चुनाव की दशा और दिशा किस तरफ मुड़ी हुई है, चुनाव किस तरफ जा रहा है, यह बहुत सहज तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। राघव के साथ में जो हुआ है और जो पुलिस की मौजूदगी में वहां पर उन लोगों ने किया है, यह बताता है कि चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार की जो बात करते हैं वो बातें कितनी सही हैं और ये तस्वीरें कितनी सही हैं। देखिए जरा एक बार, बात करिए,
राघव क्या हुआ सर? बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी, किस पार्टी थी? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 भूसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स देखिए, चुनाव अब अपने चौथे चरण में प्रवेश कर गया है, कल चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी, पांचवें चरण में रायबरेली और अमेठी के अंदर मतदान है, यानी 20 तारीख को है और आज हम जब बात कर रहे हैं तो 11 तारीख आज है, 12 तारीख, यानी करीब करीब 8 दिन का वक्त बाकी है। अभी तो अमेठी और रायबरेली के अंदर और जो रायता फैलेगा और खास तौर पर अमेठी में, अगर रायबरेली में ऐसे हो रहा है तो अमेठी में क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। रायबरेली में इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हमने देखी, जब स्मृति ईरानी से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम कौन से संस्थान से हो, और उसके बाद कुछ पत्रकारों की नौकरियां चली गई। तो रायबरेली के अंदर अगर ये हो रहा है और चुनाव से 10 दिन पहले का अगर ये माहौल है, मूड है, तो ऐन चुनाव पर जो बिल्कुल तापमान गर्म होता है तब क्या होगा। रायबरेली में अगर ये हो रहा है तो अमेठी में क्या होगा, और बनारस के अंदर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर क्या वहां पर आप जाकर के पूछ सकते हैं लोगों को तकलीफ है, दुख है, दर्द है, मौज में है, खुशहाल है, क्या वहां पर आप पूछ सकते हैं? फिर अगर रायबरेली जो कि सबसे सुरक्षित सीट, और जितना भी वहां की जो पब्लिक पर आप घूमेंगे तो लोग कहते हैं कि इस बार कम से कम जो है 2.5 से 3 लाख वोटों से राहुल गांधी वहां से जीतेंगे, और राहुल का जो एक अपना व्यक्तित्व बढ़ा है, उनकी जो अब इतनी एक छवि बढ़ी है, उसमें कोई दोराय नहीं है कि राहुल ने एक अपने आप को एस्टैब्लिश करने का काम किया है, लोगों के बीच में अपनी छवि को, अपने आप को बनाने का काम किया है। और ऐसे में अगर रायबरेली जैसी सीट पर इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ये सरासर गुंडागर्दी है, ये शरेआम गुंडागर्दी है, कोई पत्रकार कुछ भी कर रहा है आप उसको पीट नहीं सकते, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी है, उसको आप पीट नहीं सकते, और पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी देखती रही, पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े थे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ पकड़ करके राघव ने कहा कि मुझे बचा लीजिए, मुझे छुड़वा लीजिए, ये लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद में ऐसे हो रहा है। देखिए, एक कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत जो है मामला है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, अब बात जरूरी है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला इसलिए जरूरी है कि चुनाव अभी तक बहुत शांत प्रिय ढंग से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई बड़ी हिंसा की खबर, कोई गुंडई की खबर, कोई मारकाट की खबर, किसी प्रकार से कोई इस तरह से खबर नहीं आई है। अब चुनाव करिए ना, आपके पास में डबल इंजन की सरकार है, आपने अमेठी हराया है पिछली बार, तो बताइए वहां पर आपको तो स्मृति ईरानी को दोनों सीटों की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए कि रायबरेली भी आप जिता करके दीजिए और अमेठी भी आप जिता करके दीजिए, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से निकल नहीं पा रही है। पिछले करीब करीब 10-15 दिनों से स्मृति ईरानी वहीं पर कैंप डाल करके बैठी हुई है, और अब राहुल गांधी भी नहीं है सामने, तब की स्थिति है, अगर राहुल गांधी सामने होते तो सोचिए क्या स्थिति होती, लेकिन स्मृति ईरानी ने सब कुछ छोड़ दिया है,
कहीं नहीं जा रही है वो, और वो 18 तारीख से पहले कहीं जाएंगी भी नहीं, और मुझे लगता है कि वो 20 तारीख तक भी रुके वहां पर। और मैंने खुद खबरें दिखाई थी आपको कि अमेठी के गोरीगंज कांग्रेस के मुख्यालय पर आधी रात को लोग आते हैं, दर्जन भर कारों की शीशे तोड़ के चले जाते हैं। ये करीब करीब 5-6 रोज पहले की बातें हैं, मैं अमेठी में मौजूद था उस वक्त में, मैंने दिखाया आपको रात को 12-1 बजे जाकर के, और उस वक्त भी पुलिस वहीं पर खड़ी थी। और उस घटना को लेकर के अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या, किसी को पकड़ा गया है क्या, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी की निशानदेही की गई है? सीसीटीवी फुटेज वहां पर सामने थी हमारे, तो सीसीटीवी फुटेज जहां पर सामने थी हमारे, वहां पर क्या हुआ, और जहां पर नहीं थी वहां पर क्या हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं, अगर आप इस तरह की गुंडई पर उतर आए हैं, तो इसका मतलब फिर यह है कि चुनाव हाथ से फिसल रहा है। अगर कोई पत्रकार गलत करता है, कोई व्यक्ति गलत करता है, उसको पकड़िए साहब, उस पर जो है वो मुकदमा चलवाइए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। मारपीट का अधिकार आपने किसको दे, किसने आपको दे दिया? और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, क्या इतनी गुंडागर्दी है? और वो भी देश के गृह मंत्री जहां पर खड़े होकर के बोल रहे हो, वहां पर इतनी गुंडागर्दी? अब करना क्या चाह रहे हैं, अब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी, यहां पर चुनाव हमेशा से एक तरफा जैसे रहे? रायबरेली अमेठी जो है वो कांग्रेस परिवार का गढ़ रहा, कांग्रेस परिवार का परिवार रहा एक तरह से, गांधी परिवार का। और उस रायबरेली अमेठी में भी अगर ये स्थिति आ गई है, उस रायबरेली अमेठी में भी अगर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, तो फिर कहने की, सुनने की और बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि चुनाव किस तरफ जा रहे हैं और चुनाव में क्या क्या अपनाया जा रहा है, और चुनाव में किस किस तरीके से कौन कौन से हथकंडे और अपनाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें, ये जो चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर जो लगातार लोग बोल रहे हैं, और उनको जो स्थानीय पत्रकार दिखा रहे हैं, या उनको जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं, तो उससे नुकसान किसको है? उससे कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत डरा हुआ है? किसको लगता है कि चर्चा गली मोहल्ले तक पहुंच गई, ये स्थिति परिस्थिति अगर गली मोहल्लों तक पहुंच गई, शहर शहर पहुंच गई, तो नुकसान होगा हमें? किसको ऐसा लगता है? वैसे ही मोदी जी के राज में प्रेस इंडेक्स का जो हालत है वो हम सबके सामने है। हमारी जो स्थिति है, हमारी जो पत्रकारिता को लेकर के इस वक्त देश की जो हालत है, सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, चीन पर, इन सारे मुद्दों पर कितनी बात कर रहे हैं किस इंटरव्यू के अंदर, और कौन से इंटरव्यू में ऐसी खबरें हेडलाइन बन पा रही है? और बाकी आप थकते क्यों नहीं हैं, आपके चेहरे पर कैसे चमक आ रही है, ये सारी चीजों पर इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ये सब बताने के लिए काफी है कि देश में चुनाव इस वक्त किस तरफ जा रहा है, देश में इस वक्त क्या स्थिति है। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये एक तरह से कहें तो चुनाव में एक लिटमस टेस्ट है। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि भाजपा के लोग, और खास तौर पर पुलिस प्रशासन, कम से कम कई बार मैंने देखा है कि भीड़ होती है, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे और किसी पार्टी के हों, वो अक्सर उग्र हो जाते हैं। मैं इस बात को लेकर के मेरी सहमति है, अक्सर कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं।
और जरूरी नहीं कि वो कार्यकर्ता उस बात को लेकर के उग्र हो कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ खबर दिखा रहा है। कई बार वो इस बात को लेकर भी उग्र हो जाते हैं कि वो आधा सवाल सुनते हैं, आधी बात सुनते हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत बात जा रही है, और वो वहां पर अपना नंबर बनाने के लिए, अपने आप को नेताजी की नजरों में चमकाने के लिए कि देखो फलाना पत्रकार बोल रहा था, हमने ढंग से उसको कूट दिया है। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन एक पार्टी पर लगातार अगर पत्रकारिता को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि उसके राज में पत्रकारिता का एकदम रसातल में चली गई है, पत्रकारों की हिम्मत नहीं बची है, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो टीवी पर थे वो सब निकाल दिए गए हैं, सब यूट्यूब पर आकर के चैनल खोल करके बैठे हुए हैं, टीवी पर आप किसी चैनल पर सरकार पर चार तीखे सवाल आप सुन नहीं सकते हैं, और सुनेंगे तो उनकी कितनी स्पेस दी जाती है। तो बहरहाल अमित शाह जी की रैली में जो कुछ हुआ है इसको आप लोगों तक पहुंचाइए। मैं फिर कहता हूं कि एक पत्रकार का काम था, उसका हक था जो उसने किया वहां पर, लेकिन कोई हक पुलिस को और उन गुंडों को नहीं मिल सकता है कि वो किसी को सवाल पर करने पर ऐसे घेर करके कूटने का, मारने का, पीटने का काम करें। अगर आपको कुछ गलत लगता है आप शिकायत करिए, आपके पास में कैमरे हैं आप रिकॉर्ड करिए, आप सवाल करिए, पत्रकार से सवाल कर लीजिए, लेकिन हाथ उठाने का हक आपको नहीं है। और अगर आप इस लेवल पर आ गए हैं तो क्या ये सीधे तौर पर आपकी हार की बौखलाहट है? बड़ा सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।